सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगल कामना के साक्षी हों और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यह श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद का, जिसके जरिए पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। एम्स के सफाई विभाग के कर्मचारी मनीष कुमार को टीका लगाने के साथ ही भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की औपचारिक शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पूरे देश को जिस दिन का शिद्दत से इंतजार था वो आ ही गया। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के साथ ही भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जहां कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। हालांकि भारत इस मामले में उन देशों से थोड़ा और आगे है, क्योंकि यहां पहले ही चरण में कुल 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस संख्या को 30 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। अगर बात करें देश के पहले टीके की, तो वो लगा है एम्स के कर्मचारी मनीष कुमार को। वहीं डॉक्टर महेश शर्मा पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जिन्हें कोरोना का टीका लगाया गया है। देखिए, एक व्यवस्थाओं के तहत जो मुझे आज वैक्सीन लगी है, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में लगी है, ना कि एक सांसद के रूप में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उनकी प्रेरणा से आज मैंने वैक्सीन लगवाई है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हम सबको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाते हुए ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये विश्वास कर लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी आधा अधूरा काम नहीं करते। इनके अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता के चेयरमैन और मशहूर डॉक्टर नरेश त्रेहन, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले अदार पूनावाला कुछ ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं जिन्हें कोरोना के टीके की पहली डोज लगाई गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है। इसके लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 3,006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी सेंटर्स में कुल मिलाकर करीब 3 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी, यानी कि हर सेंटर पर एक दिन में करीब 100 लोगों को टीका लगेगा। इस पूरे टीकाकरण अभियान पर देश के साथ ही दुनिया भर की भी नज़र है, क्योंकि एक साथ पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला भारत इकलौता देश है। हालांकि अभी इस टीके की पहली डोज है जो लोगों को दी जा रही है। दूसरी डोज लगने के बाद ही टीके का असर दिखना शुरू हो पाएगा, इसलिए टीका लगने के बाद भी सावधानियां रखनी जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर अब भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ही होगा, मास्क लगाना ही होगा, 2 गज की दूरी रखनी ही होगी और हर वो सावधानी बरतनी होगी जो टीके से पहले आप बरतते रहे आए हैं। जाते जाते एक और बात बता देता हूँ, जिन लोगों को पहले चरण में टीका लगना है, सरकार की ओर से उन्हें चिन्हित किया जा चुका है और उन्हें सूचना दे दी गई है। हो सकता है कि कुछ लोग अब भी छूटे हों, तो उन्हें जल्द ही तारीख, वक्त और जगह की सूचना दे दी जाएगी। बाकी जिन लोगों के पास अभी सूचना नहीं है, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये साफ कर दिया है कि इस साल के अंत तक आम लोगों को भी टीका लगना शुरू हो सकता है। So I am feeling very proud and humbled at this point because I have been vaccinated and I was considered in the first lot to be vaccinated. It is a great moment for our country because we have now started the world's largest vaccination program and we are very confident that it will be a smooth program and we will be able to vaccinate a very large number of people. केंद्र की ओर से ये पहले ही साफ किया जा चुका है कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग
और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ही टीका लगेगा। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस को भी पहले टीका लगेगा और सबसे पहले लद्दाख में तैनात सैनिकों को ही टीका लगाया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आपको पहले चरण में ही टीका लगेगा, बाकी लोगों को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। वैसे जिनको टीका लगा है उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और टीके के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं, ये सब आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर बता दिया गया है। बाकी खुद सुनिए कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, दो गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। कुल मिलाकर अब जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं और कोरोना के दिन जाने वाले हैं। याद करिए रामदास अठावले का वो गाना, गो। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।